बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। कल हमने पढ़ लिया था ना चैप्टर नंबर 4 तक, आज चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा, बड़ा ही अहम चैप्टर है। इसमें से ही कैट के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, बड़े टेक्निकल एमसीक्यूज़ बनते हैं। मैं साथ साथ चीज़ें आपको अंडरलाइन करवाता जाऊँगा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊँगा, आपने साथ साथ इनको नोट करना है, फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को, कंप्यूटर का कंप्यूटर की जो साख्त है, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर की जो बनावट है, उसको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने बनाया था, उसकी छोटी सी एक हिस्ट्री लिखी हुई है, उसको ज़रा आपने जहन में रखना है। कंप्यूटर शुरू में जब बनाया गया था तो उसका आर्किटेक्चर ऐसा नहीं था, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था जैसे आज कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। वो ज़रा डिफरेंट तरीके से बना हुआ था, उसका ज़रा और सिनेरियो था, उसकी बनावट और तरह की थी। लेकिन 1951 में एक बंदा था जॉन वॉन न्यूमन। ये वॉन न्यूमन नाम है, ये ए नहीं है, यहाँ पे वी ए एन नहीं है, वी ओ एन है, इसे सही कर लो। जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन और उसकी टीम ने एक डिज़ाइन तैयार किया, मतलब उनका एक आइडिया था, उन्होंने एक आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब जो उन्होंने स्ट्रक्चर पेश किया था उसके मुताबिक आज तक हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं, और ऐसे कंप्यूटर जो उनके आइडिया के ऊपर बेस करते हैं उनको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। याद रखना, हमारे भी आज जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो मोबाइल हों चाहे वो लैपटॉप्स हों, उन्हें कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये उसी स्ट्रक्चर पर बेस करते हैं जो कि जॉन वॉन न्यूमन ने स्ट्रक्चर पेश किया था। इसने ये कहा था कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, यानी कि जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, और जो डाटा होता है, डाटा और प्रोग्राम, ये एक ही मेमोरी पे स्टोर हो जाए। आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द मशीन, ये एक ही मेमोरी पे स्टोर हो, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर हो। कंप्यूटर को खुद पता हो कौन सा डाटा है और कौन सा इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को रीड करता रहे। डाटा और प्रोग्राम में फर्क है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? डाटा क्या होता है? हमारी कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो, ये डाटा है। लेकिन प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए से हम उसको चलाते हैं, डाटे को या देखते हैं, या उसके जरिए से मतलब गेम्स हो गई या मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर और डाटा एक ही मेमोरी के ऊपर स्टोर होने चाहिए। तो आज तक इसी की थ्योरी के ऊपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, इससे बेटर कोई थ्योरी नहीं आई अभी तक, इस थ्योरी को चेंज नहीं किया गया अभी तक। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, वो वही वाला फॉलो किया जा रहा है जो इस बंदे ने पेश किया था। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि इसकी आइडिया के ऊपर जो कंप्यूटर बने उसके बाद आज तक जो बन रहे हैं, उन कंप्यूटर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो हमने पढ़ना है। और इसके आइडिया पे जो कंप्यूटर बनते हैं उनको कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने? 5 कंपोनेंट्स हैं, लिख लो। यहाँ लिखा नहीं हुआ कि 5 हैं, लेकिन कंपोनेंट जरूर लिखे हुए, लेकिन एज सच गिनती नहीं लिखी हुई। तो 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 ALU। अच्छा, CU और ALU क्या है? हमारा जो CPU होता है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है CU और एक होता है ALU। ALU का तो आपको पता होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंपैरिजन के लिए। तो हमारे CPU के अंदर एक पार्ट होता है ALU जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कंपेरिजन वाले ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CU क्या चीज़ है? CU जो है ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, और ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, डिकोड से मुराद है 0-1 में कन्वर्ट करता है, और बाकी कंपोनेंट्स को काम कहता है करने के लिए। खुद ये कुछ नहीं करता, जबकि बाकी कंपोनेंट्स को ये काम कहता है कि किस कंपोनेंट ने क्या काम करना है, वो यही बताता है CU। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी करता है। वो आपसे पूछ सकता है कि वो CPU का या कंप्यूटर का वो कौन सा कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। डिकोड से मुराद है कि वो 0-1 में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन को समझ आ सके। तो वो है हमारा CU। ये आगे जाके भी आएगा फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में, इसी चैप्टर में, तो वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है हमारा मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, ये लिख लो। मेन मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर करता है। CPU इस मेमोरी को यूज़ करता है, और मेन मेमोरी को ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, मेन मेमोरी को समटाइम्स हम कहते हैं वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्किंग एरिया, क्योंकि मेन मेमोरी हर वक्त एग्जीक्यूशन की हालत में होती है। ठीक है, और मेन मेमोरी की एग्जांपल हमारे पास रैम है, और रोम भी मेन मेमोरी के अंदर आती है।
आईओ यूनिट क्या है, आईओ यूनिट की फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट यूनिट। ये तमाम इनपुट डिवाइसेस और तमाम आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करता है, मैनेज करता है, तमाम इनपुट डिवाइसेस से आने वाला डाटा और तमाम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाने वाले डाटे को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। लास्ट पे हमारे पास पांचवा कंपोनेंट है बस इंटरकनेक्शन। ये कंप्यूटर की बस होती है, कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं जिनको हम बसेस कहते हैं। इसके ऊपर आगे डिटेल टॉपिक है तो वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सीपीयू का टॉपिक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद एएलयू सीयू वही सारा लिखा हुआ है। मेन मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैम का। रैम वाला टॉपिक भी बड़ा है, इसके अंदर भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, नोट करते जाना है आपने और लिखना भी है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं साथ तो अच्छी बात है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम सेल्स से मिलकर बनती है, मतलब रैम के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको सेल्स कहा जाता है। रैम इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, थाउजेंड ऑफ सेल्स कह सकते हैं। रैम के अंदर हजारों की तादाद में सेल्स होते हैं, उनमें डाटा स्टोर होता है। हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, सी लैंग्वेज में हम ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है? एज इट नेम सजेस्ट, द डाटा कैन नॉट बी एक्सेस सिक्वेंशियली बट वी कैन एक्सेस डाटा रैंडमली। That is a fast process, quick process. यानी RAM के अंदर जब हमने डाटे को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली किसी भी सेल से डाटे को एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी तरकीब के, बगैर किसी सीक्वेंस के। इसलिए इसके नाम में है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम को डायरेक्ट भी कहते हैं। डाटा बेस के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है रैंडम एक्सेस फाइल्स, तो ये भी उसी तरह से है। अच्छा, RAM के ऊपर CPU कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, लिख लो। CPU can perform two operations on RAM. Number one is write and number two is read. CPU RAM से डाटा रीड भी कर सकता है और RAM को डाटा देकर उसके ऊपर डाटा राइट भी करवा सकता है, लिख लो। अच्छा, रीड से मुराद ये है, ये समझ लो जरा, ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होना है फिर ना कहना, सुन लो इसको जरा समझ लो। जब CPU RAM के कॉन्टेंट्स अपनी तरफ लेकर आता है, मतलब RAM से डाटा लेकर अपने रजिस्टर्स के ऊपर सेव करता है। सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है ना रजिस्टर्स, ये तो आपको पता है, आगे भी पढ़ेंगे है। सीपीयू जो होता है ना माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उसके अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्स। जब सीपीयू रैम से डाटा लेकर अपने रजिस्टर्स के ऊपर सेव करता है तो फिर इस अमल को कहा जाता है रीड ऑपरेशन, रीड प्रोसेस, क्योंकि उसने रैम से डाटा लिया, ठीक है। लेकिन जब सीपीयू अपने रजिस्टर से डाटा निकाल कर रैम के ऊपर सेव करवाएगा, यानी रैम को इंस्ट्रक्शंस देगा, तो फिर ये कौन सा ऑपरेशन है? राइट ऑपरेशन। तो सीपीयू रैम के ऊपर दोनों ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सीपीयू ये दोनों काम करता है। अच्छा, रैम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स पढ़ने से पहले एक और चीज, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और वोलेटाइल से मुराद ये है कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर हम शट डाउन करते हैं तो डाटा जो भी रैम के ऊपर लिखा हुआ है वो लॉस्ट हो जाता है, ये लिखा वोलेटाइल में अंडरलाइन कर रहा हूं। और वोलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, बल्कि लिखा हुआ है वोलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल से मुराद है कि डाटा ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, डिलीट हो जाता है। राइट ऑपरेशन मींस व्हेन सीपीयू सेंड्स द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर टू द रैम, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन ऑफ सीपीयू ऑन रैम, ठीक है। अच्छा, वोलेटाइल को कहते हैं अनस्टेबल, यानी टेम्परेरी कह सकते हैं। रैम का डाटा लॉस्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसे कट ऑफ कर दी जाती है। और रैम की दो टाइप्स होती हैं, डी रैम और एस रैम। इनमें इनके तीन तीन पॉइंट्स हैं, समझ लो जरा। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डी रैम स्लो होती है, डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बार बार, ये दो नुकसान आते हैं इसके। लेकिन इसी के बरक्स एस रैम जो है फास्ट होती है, एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एडवांटेजेस हैं एस रैम के। एस रैम का एक नुकसान है, क्या नुकसान है कि ये महंगी है, एक्सपेंसिव है। डी रैम का एक फायदा है, वो क्या है कि वो सस्ती है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, चीप है। तो ये रैम का टॉपिक था। इसके अंदर एक और चीज़ है, हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू यहाँ पर लिखा हुआ ये है, in most modern computer this technology is used to build very fast memory inside the CPU. This memory is known as cache memory. इसे cache करते हैं, spelling देख लो, cache, cache memory। हमारा जो CPU होता है, अभी मैंने आपको बताया, उसके अंदर CU होता है, ALU होता है, और इसके अलावा उसके अंदर registers भी होते हैं। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है, CPU की अपनी एक memory होती है जिसे हम cache memory कहते हैं।
जो कि रैम वाला काम करती है और रैम की निस्बत फास्ट होती है लेकिन साइज में बहुत छोटी होती है। तो आपने याद रखना है कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी बट स्मॉल इन कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। ये लिखा उसने कैश मेमोरी यूजली हैज वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर बट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो आपने याद रखना है कि कैश मेमोरी की वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। कैसे? जब हम कंप्यूटर को कोई काम कहते हैं और वो काम छोटा है, रैम को देने की जरूरत नहीं है, तो कंप्यूटर जो है वो कैश मेमोरी से करवा लेता है। लेकिन अगर वो काम बड़ा है तो कंप्यूटर जो है वो काम किससे करवाएगा? रैम से करवाएगा। तो छोटे छोटे काम जो है वो सीपीयू के अंदर ही कैश मेमोरी में हो जाते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा आपसे, आप इसको नोट भी कर लो कि आपसे पूछा जा सकता है कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, या आपसे पूछा जा सकता है कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। क्योंकि हमने रैम की तो दो टाइप्स पढ़ी है, DRAM और SRAM। तो याद रखना कैश मेमोरी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है SRAM की। कैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM, इसको भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ROM का। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ROM जो है ये भी मेन मेमोरी के अंदर आती है, इसे भी हमारा कंप्यूटर यूज करता है, हमारा CPU यूज करता है अपने काम के लिए। इसके अंदर कुछ चीजें आपने समझनी है। CPU ROM के ऊपर कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एज इट नेम सजेस्ट, CPU can perform only one operation on ROM and that is read operation only. CPU जो है वो ROM के ऊपर सिर्फ एक operation perform कर सकता है और वो है read only का operation. MCQ कौन सा मैंने बताया अभी? मैंने तो बहुत सारे MCQ बताए हैं। मैंने ये बताया कि कैश मेमोरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो SRAM की होती है, यानी कैश मेमोरी एक्चुअली SRAM है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ROM का मैं बता रहा हूँ कि CPU ROM के ऊपर सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ROM भी मेन मेमोरी है और ROM जो है CPU इसके ऊपर से डाटा डिलीट नहीं कर सकता। हम अपने ROM के ऊपर से डाटा डिलीट नहीं कर सकते, नया डाटा राइट नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर रहते हुए, क्योंकि CPU तो इसके ऊपर राइट कर नहीं सकता। ठीक है, अब ROM के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं? ROM के अंदर होती हैं BIOS इंस्ट्रक्शन, BIOS, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिन बच्चों को मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने लिखवाया हुआ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होते साथ ही हमारे सीपीयू को कुछ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है कि कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी डिवाइसेज अटैच है। वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बायोस इंस्ट्रक्शंस, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती है ROM चिप के पास। ROM एक चिप होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। ठीक है, अच्छा ROM की तीन टाइप्स होती हैं, PROM, EPROM और डबल EPROM। PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जो कि शुरू में तो ब्लैंक होती है, खाली होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो इसको बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जब एक दफा इसके ऊपर डाटा राइट कर देता है तो दोबारा इसके ऊपर से डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता। और जो ROM है, जो PROM है, अगर हमने अपने कंप्यूटर इसकी इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है तो वो हम नहीं कर सकते, हमें ROM चिप नहीं ला के लगानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे EPROM आती है। EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके ऊपर से डाटा इरेज कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर रहते हुए नहीं, हमें ROM चिप निकाल कर मार्केट लेकर जानी पड़ती है। उसके पास स्पेशल डिवाइसेज होती हैं जिनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज यानी लेजर लाइट होती है, तो लेजर लाइट के जरिए से इसके ऊपर डाटा डिलीट करके नया डाटा इसके ऊपर राइट किया जा सकता है। और ये लिखा हुआ अल्ट्रा वायलेट रेज, ये मैं एंडलाइन कर रहा हूँ। और वो कहता है कि डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्पेशल डिवाइसेस के जरिए से इसके ऊपर से भी डाटा इरेज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जरिए से, सॉफ्टवेयर की मदद से इसके ऊपर से डाटा जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की मदद से रेज किया जा सकता है। और एक बात याद रखनी है कि ROM जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, कंप्यूटर को जितनी दफा मर्जी ऑफ करें ऑन करें इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स का कितना सिलेबस रह गया आपका? कोई आइडिया है आप कब तक ये सिलेबस कवर होगा बाकी सब्जेक्ट्स का, लाइक फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का? और अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हो गई हैं, नंबर ऑफ डेज हमने कितने स्टडी किए हैं? स्टडी डेज की बात करूँ, छुट्टियों की नहीं बात कर रहा, तो कोई आइडिया है आपको? और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या सीन चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स का? हमारे तो अभी फर्स्ट ईयर की हाफ बुक पड़ी हुई है,
फिजिक्स का अभी सेकेंड ईयर ही चल रहा है। ओहो और बाकी मैथ्स वगैरह ये वो मैथ्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हो अभी, उसके 11 चैप्टर्स बाकी हैं, 14 चैप्टर है ना टोटल मैथ्स में। काफी कोर्स आपका रहता है, हमारी भी अभी फर्स्ट ईयर की आपको पढ़ी है। अच्छा जितना मैंने पढ़ाया इसको एक बार रीड आउट करो, कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से। हाँ जी आज इतना ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 को ज़रा टाइम देना है। मैंने आपको इसमें जो चीज़ें बताई उनको ज़रा पढ़ना है आपने आज, मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाया ताकि आज आप इसको रीड आउट कर सकें। और आपको इसका वो मिल गई होगी वर्कशीट्स वगैरह, आपको इन्होंने दे दी होंगी असाइनमेंट्स, तो उसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना ठीक है। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और मैंने अभी आपको बतानी है, मैंने कहा अभी रीड आउट कर लो फिर मैं एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाला है, ये आप देख लो इसको, इसको अंडरलाइन कर लो, मैंने निशान लगाया है, ये आपका है पेज नंबर 73। वो कहता है मोस्टली द मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है ये किसकी बात हो रही है, मेन मेमोरी की बात हो रही है। तो आपसे पूछ सकता है मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, और इसके अंदर थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ये तो बात मैंने है आपको पहले भी बताई, अंडरलाइन कर लो। और ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ बिट, जीरो और वन, हर सेल के अंदर एक जीरो या एक वन स्टोर हो सकता है, ये याद रखना है, हर सेल के अंदर जीरो या वन स्टोर हो सकता है। अच्छा यहां पर भी एक दो चीजें हैं, पेरिफेरल्स का वर्ड है यहां पर, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, यानी वो डिवाइसेस जो के कंप्यूटर से बाहर लगी होती हैं, जरूरी नहीं है कंप्यूटर से बाहर हो, कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती हैं, सिस्टम के अंदर भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो डिवाइसेस जिनमें हम डाटा अपना स्टोर करते हैं, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, ये एग्जांपल दिखी हुई है, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड भी इसके अंदर आ जाता है, माउस भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस।
तो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा यूनिट है कंप्यूटर में जो पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो याद रखना है आपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आईओ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये लो, ये मैंने स्क्रीन कर दिया शेयर, सॉरी मुझे भूल गया था, स्क्रीन शेयर नहीं थी। ये मैंने अंडरलाइन किया है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस पहले पेज पे, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल बताई है मैंने आपको, ये देख लो, मैं आगे और बताता हूँ। अच्छा, और मैंने इसके अलावा ये बताया है पेज नंबर 73 के ऊपर ये वाला पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ, इसको जरा रीड आउट करो, देखो बताओ समझ आती है। How many digits are printed on the right of the decimal point the real number? इसका आंसर है 6, क्योंकि यहाँ पर real number से मुराद floating point number और float की जो precision होती है वो precision होती है 6 digits की। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 6 जी। और कुछ ठीक है जी, फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।